तो है गाइस, नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास है आज फॉग लाइट। तो फॉग लाइट आज बाइक में इंस्टॉल करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने बॉटल होल्डर इंस्टॉल किया था, वो वाला बहुत यूनिक सा आइडिया था, बहुत यूनिक सा वीडियो था। जस्ट पिछला वाला ही वीडियो था, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रहा हूँ या फिर आई बटन में भी दे रहा हूँ। और उसको अगर आप ऑर्डर देना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा भाई, मैं आपको शिपिंग भी कर दूंगा। तो आज का वीडियो फॉग लाइट इंस्टॉलेशन ऑन बजाज प्लाटिना एच गियर या फिर बजाज प्लाटिना BS4 BS6 जो भी है, और मेन ऑल बाइक के लिए ये वाला अप्लीकेबल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो फॉग लाइट इंस्टॉलेशन ऑन एनी बाइक। सो गाइज, पिछले वीडियो में मैंने ये वाला बॉटल होल्डर कैसे माउंट करती हैं, पर कैसे बनाते हैं और कैसे आप ऑर्डर दे सकते हो वो हमने बनाया था। बेसिकली मेरे पास है आज एक्चुअली फॉग लाइट, देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे माउंट करने वाला है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले से ड्रिल किया था पिछले वीडियो में, और उस साइड भी इस माउंटिंग में भी हम करने वाले हैं। तो आइडिया ये है, आइडिया एक्चुअली इस तरह का कुछ फॉग लाइन लगेगा। तो मैं कहूँगा आप यहाँ पे ड्रिल कर सकते हैं, ड्रिल मत भी कर सकते हैं, आपके मर्जी है, पर मैं चाहता हूँ परमानेंट फिटिंग। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ड्रिल कर लिया है। अगर ड्रिल नहीं करना चाहते तो एक क्लिपिंग आता है, उससे आप यहाँ पर बांध सकते हो, वो भी ईजिली एडजस्टेबल होगा। तो चलिए इस पर मैंने तो अभी ड्रिल कर लिया है इस प्रवार तरीके से। तो चलिए इस साइड ड्रिल करना पड़ेगा, इसलिए हम ड्रिल करते हैं। सो यहाँ से और सेम हम मेजरमेंट करेंगे। सो इसका मेजरमेंट मतलब यहाँ से हमने मेजर कर दिया है, और सेम मेजरमेंट लेके यहाँ से हमने मेजरमेंट किया कि इस जगह पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमको ड्रिल करना पड़ेगा। मैं रिकमेंड करूँगा इस तरह का बोल्ट यूज़ करें, क्योंकि ये मोटर रहता है और इसका वेट भी ले लेगा अलग आराम से। तो मैंने एक्चुअली दो ऑर्डर किया हूँ, तो जैसे कि देख सकते हैं। तो ये वाला जो फॉग लैम्प है, इसको आप रात में भी यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर अगर आप येलो कलर का कुछ रैपिंग कर देते हो तो वो फॉग लैम्प का भी काम करेगा, मतलब जो ओरिजिनल फॉग लैम्प का काम होता है। तो सिंपली हम यहाँ पर माउंट कर देंगे, जस्ट इसको डालेंगे और इसको डाल देंगे। इसको नीचे वॉशर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम टेम्परेट टाइट करें। और ये वाला नीचे हो गया ना, तो इसको आप एक्चुअली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो देख सकते हैं पूरा एडजस्टमेंट है, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ये वाला फिक्स रहता है, यहाँ वाला आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मेरा प्रेफरेंस ये है, मुझे पर्सनली नीचे पसंद है, तो इस तरह से माउंटिंग यहाँ रहेगा तो अच्छा लुक देता है। परफेक्ट। और गाइज, इंस्टॉलेशन फाइनली कंप्लीट हो गया है। इसको मैंने जिप टाई से बांध दिया है और इसका भी वायरिंग बाकी है। तो ओवरऑल लुक देख लो, वायरिंग में आपको बताऊंगा। देख लो भाई कैसा लुक आ रहा है, प्रॉपर फिटिंग आ रहा है। और देख सकते हैं फिनिशिंग देखो भाई। तो कहीं पे हमने कुछ भी नहीं किया है उतना ज़्यादा हेर फेर चीज़, सिंपली ड्रिल किया है, उसको एडजस्ट करके माउंट कर दिया है, और उसको हमने वायर को जिप टाई कर दिया। और इंजन से बहुत दूर है तो हीटिंग का प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं आएगा, और प्रॉपर एक एंगलिंग में आ रहा है, देखो प्रॉपर एंगल में आ रहा है। तो अभी बात करते हैं इसका वायरिंग कैसे करना है और कौन सा स्विच हम यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे बॉटल होल्डर आ जाएगा, तो कम काइंड ऑफ टूरिंग सेटअप यहाँ पे हो गया है। सो गाइस, हम यूज़ कर इस तरह का स्विच, जो कि आपको 15 रुपये पर पीस या फिर 10 रुपये पर पीस से मिल जाएगा। तो आप इस तरह का स्विच भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट मुझे इस तरह का स्विच इंस्टॉल करना है। इस पर्सन में हम इस पर एक्चुअली होल्ड कर देंगे, तो लुक्स कुछ इस तरह का आने वाला है। मैं आपको एक सैम्पल दिखाऊँ, तो लुक कुछ इस तरीके से आने वाला है। अगर आप इस स्विच को ऑन कर दें तो आपका फॉग लाइट जल जाएगा। वैसे आप दो चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, मतलब सिंगल करके। तो हम ट्राई करेंगे इसमें होल करें, इसमें इंस्टॉल करें। तो आपको ये जो तीन स्क्रू देख रहे हैं, 1 2 और एक 3, स्क्रू को आपको ओपन करना पड़ेगा, तभी ये जब ये वाला जो कवर है देख सकते हैं, ये आपका ओपन हो जाएगा। मीटर का बड़ी आप बोल सकते हो इसमें, और इस साइड में हम इंस्टॉल करेंगे। तो इसको आपको खोलना पड़ेगा, और उससे पहले आपको ये वाला जो नट है जो यहाँ पर लगता है, ये वाला जो नट है देख रहे हैं, इसको आपको खोलना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर वाइजर टाइट रहता है। तो वाइजर ओपन करने के बाद आपको ये वाला चीज़ खोलना पड़ सकता है। और ये आपका मीटर कवर, इसका आपको ओपन करना है, मीटर खोलने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। तो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ स्विच इंस्टॉल करना है। और गाइज, मीटर कुछ इस तरह से लगता है अगर आप नेकेड प्लैटिना चला रहे हो, तो मतलब आपका जो मीटर कवर है वो अगर नहीं है तो कुछ इस तरीके से लुक आएगा। देखो कितना अजीब तरह का लुक आ रहा है, बट ठीक है, चलो वीडियो को शुरू आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं, अब आपको गंदा लग रहा है, तो आपको यहाँ पे गंदा लग रहा है,
और इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि ये परमानेंट हो जाएगा। बाद में मान लो कहीं पे आपका ये वाला जो स्विच ख़राब हो सकता है, हो सकता पानी होगा ख़राब हो सकता है, बट उसमें क्या होगा, आप इस स्विच को इजीली निकाल कर रिप्लेस भी कर सकते हो, न्यू वन इसमें लगा सकते हो, तो ये परमानेंट सोल्यूशन हो गया। देखो सो गाइस, इसको हमने रेडी कर लिया है, देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। और अभी इसको लगाया था, उसके बाद हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लग गया। अब जो स्क्रू है वो टाइट करना है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें ये जो वायर, इसको डाल देते हैं, मतलब स्विच जो इंस्टॉल करेंगे। तो आप ऑन ऑफ किस तरह से रखना चाहते हो अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये वाला पोजीशन ठीक है, सिंपल में प्रेस कर देंगे। देखो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे आपका फॉग लाइट का स्विच, देख सकते हो प्रॉपर देखिए मतलब काम कर रहा है, और इस साइड भी प्रॉपर देखिए काम कर रहा है। अच्छा गाइस, अभी कनेक्शन के बारे में, कनेक्शन जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे करो, कनेक्शन जो आपका सेफ रहेगा। तो हमने ये वाला वायर देख सकते हैं यहाँ पे अटैच कर दिए, मतलब ये जो स्विच से आ रहा है कंप्लीट नीट एंड क्लीन वायरिंग है। अब इसको मैंने दो वायर देख सकते हैं, ये वाला सिर्फ दो वायर, ठीक है, तो हमने नीचे से लाया है। तो वो वायर हमने यहाँ पर आपके प्लैटिनम में देख सकते हैं, ये वाला होल होगा, इसके बीच से निकाल लीजिए, मतलब पीछे से रहता है होल से, हमने दो वायर निकालने आया है। ये दो वायर और ये जो दो वायर है बिल्कुल सेम है। और जो मेन लाइट है इसमें दो वायर आते हैं, जो आपका ब्राउन और ब्लू, ब्राउन होता है आपका पॉजिटिव और ब्लू होता है आपका नेगेटिव। तो इसका ब्राउन और इसका ब्राउन, मतलब इस लाइट का पॉजिटिव और इस लाइट का पॉजिटिव, हमने दोनों एक साथ कनेक्ट कर दिया और वहाँ से एक ही वायर निकला है, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव का देख सकते हैं। और इसका जो नेगेटिव है वो यहाँ पे रह गया है, और उस लाइट का जो नेगेटिव है, सो एक कोई भी एक सा वायर आपको ये वाला नेगेटिव से कनेक्ट कर देना है, देख सकते हैं। और जो अलग वायर है वो आपका इस वाले का जो नेगेटिव है, ठीक है, इससे कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। तो क्या होगा, आपका पॉजिटिव में का इसने छोटा वायर क्यों रखा है, पॉजिटिव हम हॉर्न से देंगे, ये वाला हॉर्न का पॉजिटिव पहले से दिया हुआ है, तो हम हॉर्न का पॉजिटिव से हम ये वाला पॉजिटिव इसको डायरेक्ट कनेक्शन दे देंगे। और जब आप स्विच ऑन करेंगे, तो अगर ये वाला स्विच ऑन किए तो इसमें नेगेटिव चला जाएगा, तो जल जाएगा, तो ये जल जाएगा। और अगर ये वाला स्विच ऑन किए तो इसमें तो पॉजिटिव पहले से दिया हुआ हॉर्न के थ्रू, तो नेगेटिव का स्विच के थ्रू हम दे रहे हैं, तो जब नेगेटिव ऑन करेंगे तो ये वाला आपका लाइट जल जाएगा। तो मतलब कनेक्शन ये है, आपका पॉजिटिव पहले से दिया रहेगा, जब आप स्विच ऑन करेंगे तो आपका नेगेटिव चला जाएगा, तो आपका लाइट जो जल जाएगा, ऐसा कनेक्शन हमने, तो ऐसा कनेक्शन हम करने वाले हैं। तो ये जो स्विच था ना, जो मतलब दो वायर आ रहे थे इस स्विच से, और इधर हमने एक स्विच लगाया था, हाँ ये वाला दो वायर, तो इसको मैंने अच्छी तरीके से जिप टाई कर दिया, क्योंकि बाकी बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें से जो नीला वाला है उसको आपस में कनेक्ट करके एक तार बना के देख सकते हैं, जो हमने इंडिकेटर का कपड़ा है वो वाला, ये वाला, इसमें देखोगे आप ब्लैक पे येलो कलर का वायर होगा, ब्लैक पे येलो इसमें, ठीक है, ये आपका नेगेटिव होता है। इसमें आपको ये जो नीला वाला है, जो हमने इसका नेगेटिव है स्विच का, वो इसमें दे देना है, ठीक है। तो मैं दे देता हूँ, तो नेगेटिव आउट कहाँ से होगा, नेगेटिव अगर जब हम स्विच ऑन करते हैं तो नेगेटिव इस रेड वाले वायर से आउट होगा। तो इसमें देख सकते हैं दो वायर बच रहे हैं स्विच से, तो आपको अपने अकॉर्डिंग इस स्विच का कपलर देख सकते हैं, इस मतलब मैं इसमें करना चाहता हूँ, तो इसका इसका जो वायर है ये वाला वायर, तो इसमें आपको आपस में कनेक्ट कर देना है ये वाला कनेक्ट, और ये जो दूसरा वायर है दूसरा को ब्लैक से कनेक्ट कर देना है। और ये दो ब्लैक कहाँ से आ रहे हैं, दो ब्लैक हमने नीचे की तरफ से बताया था कि इसका नेगेटिव और उसका नेगेटिव हमने एक्सटेंड किया है, तो कनेक्शन बिल्कुल ईजी है भाई। और अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करो, मैं आपको कनेक्शन प्रॉपर डायग्राम से बता दूंगा। तो हमने और इसका जो वायर है देख सकते हैं, इसको मैंने प्रॉपर जैसे जिप टाई कर दिया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वायरिंग है। इसके नीचे से लेके यहाँ पे एक कपड़ा रहता है, मतलब कुछ हुक टाइप रहता है, उसके नीचे से लेके इस होल से कर दिया है। तो अभी इसमें जब आप हैंडल मूव करेंगे तो इसमें कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वायरिंग है। सो गाइस, ऊपर का इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, और नीचे जो एक वायर बच रहा था जिसको हमने बोला था ना हॉर्न से पॉजिटिव देंगे, तो वो एक्चुअली ये वाला हॉर्न में भी देख सकते हैं ब्राउन कलर का पॉजिटिव है,
तो इसका पॉजिटिव और उसका पॉजिटिव आपस में हमने जोड़ दिया है, और जो सिंगल वायर मतलब आपस और जो सिंगल वायर बच रहा है मतलब कनेक्ट करने के बाद जो बच रहा है उसको हमको पॉजिटिव देना पड़ेगा। और पॉजिटिव दे देंगे तो इसको भी पॉजिटिव मिल जाएगा और उसको भी पॉजिटिव मिल जाएगा, और ऊपर पे स्विच है तो आपका नेगेटिव आ रहा है तो ये जल जाएगा। सो एज ये रहा एक्सटेंशन वाला वायर और इसको हम यहाँ पर दे रहे हैं, और इसको एक्चुअली टेप करना पड़ेगा। मैं जस्ट आपको टेम्परेरी दिखा रहा हूँ ये आपका, ठीक है। कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है तो चले चाबी को ऑन करते हैं। मैं आपकी नाइट शॉट भी दिखाऊंगा, जस्ट मैं आपको टेस्ट अभी करवा रहा हूँ। तो अभी देख सकते हैं दोनों बटन ऑफ है, ठीक है। तो लुक्स कुछ इस तरह से आ रहा है, तो सिंपली हम इसको ऑन करेंगे, एक स्विच ऑन करेंगे यहाँ पे देखो ऑन हो गया, बस ये वाला ऑफ है। यहाँ पे इस ये जो स्विच है जस्ट ऑन करेंगे ऑन हो जाएगा, देखो अभी दोनों प्रॉपर से चल रहा है। रात हो गया है तो जस्ट हम डीआरएल ऑन कर रहे हैं, देख लो भाई डीआरएल का लाइट इतना तेज़ है प्लाटिना का। तो चलो मैं अभी मेन हेडलाइट ऑन कर रहा हूँ, देखो भाई फ़ोन ज़्यादा महंगा नहीं है, पता नहीं कितना जस्टिफाई कर रहा है। तो हेडलाइट का थ्रो बहुत अच्छा है। अभी हम हेडलाइट को ऑफ करते हैं, फॉगलाइट ऑन करते हैं, ठीक है। पहले एक करते हैं, ये हमने एक फॉगलाइट ऑन कर दिया, उड़ी बापा बहुत बढ़िया। और ये हमने दूसरा ऑन कर रहे हैं, चलो अभी ठीक है। देखो ये हमने दूसरा फॉगलाइट ऑन कर दिया, ठीक है। मेन हेडलाइट भी ऑन कर रहे हैं, चलो देखो मेन हेडलाइट और फॉग लैंप टोटल सब कुछ ऑन है। तो देखो इतना उजाला हो गया है, अभी मैं इसको पूरा ऑफ कर रहा हूँ, देखो ठीक है। रेडी बिल्कुल, मतलब सारे ऑन होगा, दो फॉग लाइट और हेडलैम्प। हियर वी गो, देखो। सो गाइज इससे और भी ज़्यादा क्वालिटी आएगा अगर आप बढ़िया क्वालिटी वाला जो फॉग लैंप है, ये जो आपका बढ़िया लो क्वालिटी वाला मैंने फॉग लैंप यूज़ किया है, बढ़िया क्वालिटी वाला अगर आप फॉग लैंप दोनों जगह यूज़ करते हो तो भाई ब्राइटनेस बहुत बढ़िया। और हेडलाइट को मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ, अभी जस्ट फॉग लाइट है, ठीक है। तो गाइस कैसा लगा वीडियो, फॉग लाइट इंस्टॉलेशन ऑन प्लैटिना, और आप किसी भी बाइक में कर सकते हो जिसमें लेग गार्ड आता है। और मैं सोच रहा था कि ऊपर में पहले करूँ क्योंकि ऊपर में अच्छा लगेगा, बट मैंने लास्ट में नीचे कर दिया है। क्योंकि देखो अगर बारिश का मौसम है तो हम इसके ऊपर पैर रख के चलेंगे, कभी किसी किसी टाइम इसके ऊपर पैर रख के चलेंगे, तो अगर फॉग लैंप ऊपर आ जाएगा तो पैर कहाँ पर रखेंगे, तो इसलिए हमने नीचे रखा है। नीचे बार बहुत फिटिंग अच्छे तरीके से हुआ है, नॉर्मल क्वालिटी का यूज़ के बाद अभी आप अच्छे क्वालिटी का फॉग लैंप, यहाँ पे सेम माउंटिंग सेम रहेगा बट फॉग लैंप रिप्लेस हो जाएगा, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो भाई कमेंट में बता दो, और कुछ भी प्रॉब्लम है भाई इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, अगर आप इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करोगे तो मैं आपको 24/7 रिप्लाई नहीं दे सकता। तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लो, लिंक इन यहाँ पे आ रहा होगा, लिंक यहाँ पे आ रहा होगा। अच्छे वाला और लोकल नॉर्मल वाला जो मैंने नॉर्मल वाला यूज़ किया है उसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, दोनों लिंक दिया रहेगा, वहाँ चेकआउट कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो। चलो इस वीडियो खत्म करते हैं, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।